हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग बजट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो 2021-22 का जो बजट आया है, जो 1 फरवरी को जो पब्लिश हुआ है वित्त मंत्री जी के द्वारा, तो उस बजट को हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ध्यान दीजिएगा कि बजट का जो एनालिसिस होगा प्योरली जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जो आने वाले एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो या कोई छोटा मोटा एग्जाम हो, है ना। तो सिविल सर्विस के एग्जाम को मेनली ध्यान में रखते हुए, यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब ध्यान में एग्जाम, मतलब ये सब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस बजट को हम एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ बजट है, और ये जो है वित्त मंत्री जो हमारे हैं निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा जो स्पीच दिया गया था उसी पर कम्प्लीटली बेस्ड है। 1 फरवरी 2021 को बजट आया था, तो कहीं डेट भी पूछा जा सकता है कोई छोटे एग्जाम में कि बजट किस दिन आया था, तो याद रखिएगा 1 फरवरी 2021 को आया था। इस बजट के 2 पार्ट में बांटा गया, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए तक का डिस्कस किया जाएगा, पार्ट बी का डिस्कशन अगले बजट में किया, मतलब अगले वीडियो में किया जाएगा। तो इसमें हम लोग इस बजट को 2 पार्ट में बांटा गया। सबसे पहले ध्यान दे दीजिए, है ना, मतलब किसी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है जैसे स्टेटमेंट से कि बजट वाज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, है ना, तो इस तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले चलते हैं पार्ट ए की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वित्त मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि ऑनरेबल स्पीकर, आई प्रेजेंट द बजट फॉर द ईयर 2021-22। तो सबसे पहले ध्यान दें कि बजट एक्चुअली है क्या ये। तो एक तरह से प्रॉमिस किया जाता है, बजट में क्या होता है कि एक तरीके से आप समझिए कि प्रोमिसज किया जाते हैं इसमें। ये प्रॉमिस होता है कि हाँ, हम आने वाले समय में ये काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो चेयरमैन है, जो हमारे ओम बिरला जो लोकसभा के चेयरमैन हैं, उनसे एक तरह से परमिशन मांगा जा रहा है कि हम जो है बजट प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनसे परमिशन जब मिल गया है तो उसके बाद से आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनरेबल स्पीकर, द प्रिपरेशन ऑफ दिस बजट वाज अंडरटेकन इन सर्कमस्टांसेज लाइक नेवर बिफोर, है ना। तो बोला जा रहा है, जैसे इनके द्वारा बोला गया कि इस बजट को बनाने में जो कुछ भी यहाँ पे जो सर्कमस्टांसेज थे, मतलब कि जो अभी जो समय था वो पहले जैसा नहीं था। वी न्यू ऑफ कैलेमिटीज दैट हैव अफेक्टेड अ कंट्री और अ रीजन विद इन अ कंट्री बट हैड एंड्योर्ड विद कोविड-19 थ्रू 2020 स्यू जेनरिस। तो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग जानते हैं कि कैलेमिटी अभी चल रहा है, अभी आपदा का समय चल रहा है, और न सिर्फ एक कोई कंट्री ना है या फिर कोई एक रीजन, बल्कि पूरा दुनिया जो है इससे अभी जूझ रहा है। इस कारण से 2020 जो है कोविड-19 के कारण अपने आप में एक सीव जेनरिस जो है, इसका मतलब होता है यूनिक, है ना। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करने पे होता है यूनिक, यानी कि 2020 जो है अपने आप में एक यूनिक था। वित्त मंत्री इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सीव जेनरिस का मतलब होता है यूनिक। आगे है कि भैया ने प्रेजेंटेड बजट 2020-21, वी कुडंट हैव इमेजिन दैट द ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी इन थ्रोस ऑफ स्लो डाउन। तो जैसे कहा जा रहा है कि 2020-21 का जब बजट पब्लिश कर रहे थे तो उस समय इमेजिन भी कोई नहीं किया था, है ना, कि आने वाला समय कैसा होगा। शुरुआत में पहले से ही स्लो डाउन था, है ना, वही बोला जा रहा है कि जो ऑलरेडी एक स्लो डाउन में था वो कोविड-19 के कारण एक अनप्रेसिडेंटेड कॉन्ट्रैक्शन में चला गया। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि और ज़्यादा घाटा, मतलब कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था और कम हो गया, पहले से तो स्लो डाउन था ही। We could not have also imagined that then that people are those in other countries who would endure the loss of near and dear ones and suffer hardship brought about a health crisis। उसके बाद ये भी कहा जा गया कि हम ये भी इमेजिन नहीं किए थे कि जो लोग देश में हैं या देश के बाहर हैं उनको अपने नज़दीकी लोगों को खोना पड़ेगा किसी बीमारी के कारण, है ना। तो ये समय जो है अपने आप में एक हेल्थ क्राइसिस का था। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि लॉकडाउन लगाने का कारण बताया गया कि द रिस्क ऑफ नॉट हैविंग लॉकडाउन फार टू हाई, है ना, यदि लॉकडाउन नहीं लगाते तो उसका रिस्क और ज़्यादा था, ऐसा कहा गया। 48 घंटे के अंदर, है ना, विद इन 48 आवर डिक्लेयरिंग अ 3 वीक लॉन्ग कंप्लीट लॉकडाउन द प्राइम मिनिस्टर अनाउंसड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो लॉकडाउन लगाया गया था 3 सप्ताह का, है ना, 21 दिन का जो लगाया गया था, उसके 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चालू किया गया जिसका वैल्यू था 2.76 लाख करोड़। इससे क्या मिला, दिस प्रोवाइडेड ये 2.76 लाख करोड़ से, है ना, इससे हम लोग को मिला फ्री फूड ग्रेन टू 800 मिलियन पीपल, फ्री कुकिंग गैस फॉर 80 मिलियन पीपल फॉर मंथ्स, एंड कैश डिलीवरी टू ओवर 400 मिलियन फार्मर्स, वुमेन इन डर्ली द पुअर एंड द नीडी, है ना। तो इतने लोगों को इस 2.76 लाख करोड़ जो पैसा मिला था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, उससे ये सब सुविधा किया गया, है ना। 800 मिलियन लोग को लगभग, मतलब कि चावल गेहूं प्रोवाइड किया गया, फूड ग्रेन प्रोवाइड कराया गया। जिनको उज्ज्वला योजना के तहत जिन महिलाओं को गैस मिला था उनको फ्री में 3 महीने या 4 महीने से दिया गया। उसके अलावा जो जिनके पास वो खाता था जनधन वाला खाता था, हर एक खाते में 3 महीने के लिए 500 रुपया महिलाओं को सिर्फ, है ना, ध्यान दीजिएगा, ओनली लेडीज को, ओनली वीमेन को 500 रुपया दिया गया पर मंथ 3 महीने के लिए। आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद और कहा जा रहा है कि इवन एज अ लार्ज सेक्शन ऑफ सिटीजन्स स्टेट होम मिल्क वेजिटेबल एंड
फूड सप्लायर, हेल्थ एंड सैनिटरी वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर, रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, बैंक एम्प्लॉय, अन्नदाता यानी जो किसान है, पुलिस, इसके अलावा मतलब जो लोग भी काम कर रहे थे उनको यहाँ कोरोना वॉरियर कहा गया और उनको कहा गया कि वी रिकॉग्नाइज दिस एंड आई थिंक आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी इन दिस अगस्त हाउस, मतलब कि लोकसभा में जो भी प्रेजेंट है वहाँ पे उसके तरफ से सभी को धन्यवाद कहना चाहते हैं, है ना, उनके वर्क के लिए, उनके ड्यूटी के लिए। उसके अलावा स्पीकर सर फॉर पब्लिक गुड ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू ऑफर देयर सैलरी। इसके बाद ये भी बोला गया कि जो एमएलए और एमपी थे वो भी अपना अपना सैलरी जो है कोरोना के कारण जो है कुछ सैलरी का कुछ हिस्सा या फिर सैलरी जो है दान की है। इन मई 2020 द गवर्नमेंट अनाउंस द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो गवर्नमेंट के द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस किया गया था, ANB 1.1 बोला जा रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि अब देखे होंगे कि बहुत मतलब डिफरेंट फेजेज में आया था, ठीक है, पहले एक पैकेज 2.76 लाख करोड़ का हुआ, उसके बाद कुछ का हुआ, उसके बाद कुछ का हुआ, कुल मिला के 20 लाख करोड़ जो बोला गया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस किया था सबसे पहले, टू सस्टेन द रिकवरी फर्दर इनटू द ईयर वी आल्सो रोल्ड आउट टू मोर आत्मनिर्भर भारत पैकेज। यानी वही कहा गया यहाँ पे कि तीन फेज में आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया था। टोटल जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ आत्मनिर्भर भारत पैकेज का वो 27.1 लाख करोड़ था। तो 20 लाख करोड़ सरकार के द्वारा और बाकी का जो था आरबीआई के द्वारा कुछ मेजर लिया गया था इसके कारण से। तो इसीलिए देखा कि इंक्लूडिंग द मेजर टेकन बाय आरबीआई कुल मिला के सरकार को 27 लाख करोड़ का वहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि भार पड़ा, है ना, जो जीडीपी का 13% था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एज अ गवर्नमेंट वी केप्ट ए वॉच ऑन द सिचुएशन, वी आर प्रोटेक्टिव प्रोएक्टिव इन आवर रिस्पॉन्सेज, द गवर्नमेंट लेड बाई पीएम स्टेटेड रिसोर्स टू डिलीवर मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। तो जैसे यहाँ पे गया कि उससे क्या हुआ, तो लोगों को जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं उन लोगों को सुविधा दिया गया, जैसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, दलित, ट्राइबल, इल्डरली, माइग्रेंट वर्कर, है ना, और बच्चों को। PMJKY द थ्री आत्मनिर्भर भारत पैकेज, PMJKY मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तीन आत्मनिर्भर भारत पैकेज और अनाउंसमेंट मेड लेटर वेयर लाइक 5 मिनी बजट इन दिस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे वो सब जो अनाउंसमेंट हो रहा था इतना ज़्यादा पैसे का 2.76 लाख करोड़ आरबीआई के द्वारा, कुल मिला के वही यहाँ पे कहा गया कि देखा जाए तो पूरे साल भर में 5 मिनी बजट आया। एक तो बजट तो आया ही था फरवरी में, बाकी जो छोटे मोटे ये सब अनाउंसमेंट आए उसको वित्त मंत्री के द्वारा मिनी बजट कहा गया, है ना, कि ऐसा लग रहा था कि 5 मिनी बजट आए हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज एक्सेलेटेड आवर पेस ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। आत्मनिर्भर भारत पैकेज से क्या हुआ कि हम लोग का जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था, है ना, वो एक्सेलेट हुआ, उसमें तेज़ी से आया। जैसे इस साल और क्या क्या किया गया, तो MSME का डिफिनीशन में चेंज किया गया, है ना, यदि मई जून के आसपास आप करेंट अफेयर पढ़े होंगे तो MSME जो होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी जो छोटे मोटे कंपनी होते हैं उनका डिफिनीशन में चेंज किया गया। मिनरल सेक्टर को कमर्शलाइज किया गया। उसके अलावा एग्रीकल्चर एंड लेबर रिफॉर्म आया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो था उसको प्राइवेटाइज किया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड का स्कीम लाया गया। इस स्कीम के बारे में आगे भी चर्चा है तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके बाद आधे हैं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कंपनी को जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दिया गया, यानी कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो प्रोडक्ट जो इंसेंटिव है उसको प्रोडक्शन से लिंक कर दिया गया कि ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिए ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा। और क्या हुआ, तो फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट हुआ। उसके अलावा DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो डायरेक्ट खाता में पैसा भेजा जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है कि समाज के हर लोगों को जो है पैसा पहुंचाना, है ना, तो जैसे उनको बैंकिंग से जोड़ दीजिए, एक मतलब कि एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना, एक संस्था से जोड़ देना, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। टुडे इंडिया हैज़ 2 वैक्सीन अवेलेबल। आगे बोला जाए कि इंडिया के पास 2 वैक्सीन अवेलेबल है और न सिर्फ अपने सिटीजन को बल्कि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को ये वैक्सीन पहुँचाया जा रहा है। और भी कहा, इट इज एडेड टू कम्फर्ट टू नो दैट 2 और मोर वैक्सीन आर एक्सपेक्टेड सून, और 2 या 2 से अधिक वैक्सीन जल्द ही आने वाला है, मतलब 2 वैक्सीन तो अभी आ चुका है। आगे यदि पढ़े तो ऑनरेबल PM लॉन्च द वैक्सीनेशन ड्राइव बाय क्रेडिटिंग थैंक यू और साइंटिस्ट। बोला जा रहा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो वैक्सीनेशन ड्राइव चालू किए हमारे साइंटिस्ट को थैंक करते हुए। आगे है कि जो 2020 में हम लोग लड़ाई लड़े हैं COVID-19 से 21 में भी जारी रहेगा, है ना। Now, just as it happened after 2 world war, जैसा कि 2 विश्व युद्ध के बाद हुआ, there are signs that a political, economic and strategic relation in the post-COVID world are changing. तो जैसे विश्व युद्ध के बाद जो है दुनिया में जो देश थे आपस में उनका रिलेशन में थोड़ा सा चेंजिंग आया था, उनका पॉलिटिकल रिलेशन हो या स्ट्रेटजिक रिलेशन हो, उसी तरीके से कोविड जब पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो देश हैं अपने रिश्ते को सुधारेंगे एक दूसरे से, है ना। अभी अभी हो सकता है कि जो दो दोस्त मतलब जो देश अभी दोस्त है वो हो सकता है दुश्मन बन जाए, जो अभी दुश्मन हो सकता है दोस्त बन जाए। This moment in history is dawn of the new era and one in India is well poised to truly be the land of promise and hope. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उस तरीके से अग्रसर है। poised का मतलब होता है कि marching toward, यानी कि इंडिया जो है
उस पथ पे अग्रसर है। आगे यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का एक कोट यहाँ पे दिया हुआ है कि फेथ इज द बर्ड डेट फील्स द लाइट एंड सिंग्स व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क, यानी कि विश्वास एक ऐसी चिड़िया है जो अंधेरा में भी लाइट को फील कर सकती है और गा सकती है। उनका एक बुक है फायरफ्लाई, उससे लिया गया है, यहाँ पे बजट में मेंशन किया गया है। आगे है कि इन दिस स्पिरिट आई कैन नॉट हेल्प बट रिकॉल द जॉय डेट वी एज अ क्रिकेट लविंग नेशन फेल्ट। तो यदि आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़े होंगे वहाँ भी इसको तुलना किया गया था कि जैसे इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया में जिस समय गए थी तो पहला टेस्ट में 36 पे ऑल आउट हो गया था, तो इस तरह एक तरह समझिए तो इंडिया पूरी तरीके से हार चुका था, लेकिन लास्ट होते होते इंडिया पूरा सीरीज जीत करके आया है ना। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इंडिया का क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में जा करके अपने आप को रिवाइव किया, उम्मीद किया जा रहा है कि इंडिया का इकोनॉमी भी उसी तरीके से अपने आप को रिवाइव करेगा। टुडे डाटा शो दैट नाउ वन हैज़ द लोवेस्ट डेथ रेट ऑफ 112 पर मिलियन पॉपुलेशन एंड वन ऑफ द लोवेस्ट एक्टिव केसेज अबाउट 130 पर मिलियन। तो कहा जा रहा है कि डाटा के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में COVID-19 काफ़ी कंट्रोल में है, क्योंकि डेथ जो है काफ़ी कम है दूसरे देश के मुकाबले। 1 मिलियन लोगों पे 112 लोगों का डेथ हुआ है, वहीं एक्टिव केसेज की बात किया जाए तो 130 पर मिलियन, 1 मिलियन में मतलब 10 लाख में 130 एक्टिव केस है, ठीक है। दिस बजट विल बी द फर्स्ट ऑफ दिस न्यू डिकेड, इस जो नया एक दशक आने वाला है 2020 से 30 तक है ना, एक नया दशक चालू हुआ उसका पहला बजट है, ये डिजिटल बजट है, ठीक है। आगे अब कहा जा रहा है कि सो फार ओनली 3 टाइम है जब बजट फॉलोड अ कॉन्ट्रैक्शन, तो ये सब बात याद रखने वाली होती है कि कितने टाइम बजट में कॉन्ट्रैक्शन शो किया गया है। जैसे इस बार जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, हम लोग शुरू में ही पढ़े ना कि जब पिछले साल बजट आया था उसमें स्लो डाउन था और किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि अगले साल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस साल बजट कॉन्ट्रैक्शन मतलब ग्रोथ जो है निगेटिव में हुआ है, तो मात्र अभी तक 3 ही बार ऐसा हुआ था कि जिसमें बजट जो है कॉन्ट्रैक्शन शो करे, जिसमें एक बार तो अभी है। और बताया जा रहा है कि ऑल सच कॉन्ट्रैक्शन वाज अ रिजल्ट ऑफ सिचुएशनल टिपिकल ऑफ इंडिया। तो और ये भी बताया गया कि जो जितने भी कॉन्ट्रैक्शन हुए थे आज के पहले भी, वो उस समय के सिचुएशन के आधार पर थे, ठीक है। इस टाइम क्या सिचुएशन था, तो दिस टाइम द कॉन्ट्रैक्शन इन आवर इकोनॉमी ड्यू टू ग्लोबल पैंडेमिक जस्ट लाइक सेवरल अदर कंट्रीज, है ना। तो बाकी दूसरे देशों में जिस तरीके से पैंडेमिक ने हिट किया उसी तरीके से इंडिया में भी जो हुआ था, है ना, तो पैंडेमिक के कारण कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ये वित्त मंत्री का कहना है कि बाय द एक्ट ऑफ गॉड है, हम नहीं कुछ किए हैं। Having said that, I want to confidently state that our government is fully prepared to support and facilitate the economy reset, है ना। अभी कहा गया कि इकोनॉमी को रीसेट करने के लिए यानी पुनः चालू करने के लिए हमारा गवर्नमेंट, हमारा जो भी है सब पूरी तरीके से लगा हुआ है, इस बजट में उसी के हिसाब से बनाया गया है। आगे है कि 2021, अब देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे बात लिखे गए हैं, याद रखिएगा 2021 में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या माइलस्टोन है 2021 में। तो ईयर ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, पहला क्या है, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी आज़ादी का 75 साल पूरा होने वाला है। 60 ईयर ऑफ गोवा एक्सेशन टू इंडिया, इंडिया का मतलब गोवा जो है इंडिया का हिस्सा बने 60 साल हो गया। 50 ईयर ऑफ इंडिया पाकिस्तान वार, इंडिया और पाकिस्तान का जो लड़ाई हुआ था उसका 50 साल पूरा हो गया। उसके अलावा 8वां सेंसस होगा इंडिया का, है ना। ये सब काफ़ी गोल्डन पॉइंट्स है, किसी एग्जाम में पूछ मतलब किसी के लगभग हर एग्जाम में सब पूछा ही जाता है। इंडिया का इंडिपेंडेंट इंडिया का 8वां सेंसस है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि पूरा ओवरऑल देख लिया जाए तो केमा सेंसस होगा, है ना, कौन सा सेंसस होगा यदि पूरा देख लिया जाए तो। इंडिपेंडेंट इंडिया का 8वां सेंसस है, इंडिपेंडेंट के पहले भी हुआ था, है ना। पहला जो सेंसस हुआ था 1872 में हुआ था, वो इनफॉर्मल था, 1881 में सबसे पहले फॉर्मल तरीके से हुआ था। तो ये कौन सा सेंसस होगा सारा इंक्लूड करके, आज़ादी के बाद तो 8वां सेंसस है। इसके अलावा इंडिया जो है ब्रिक्स का प्रेसिडेंट बनेगा 1 साल के लिए, है ना, उसका चेयरमैनशिप ब्रिक्स का चेयरमैन इंडिया बनेगा इस साल के लिए, रोटेशन होते रहता है। ब्राज़ील पहले बनता है, उसके बाद रसिया, उसके बाद इंडिया, तो पिछले साल रसिया था ब्रिक्स का चेयरमैन, अभी इंडिया बनेगा, अगले साल फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राज़ील, इस तरीके से रोटेशन होते रहता है। द ईयर ऑफ चंद्रयान 3, इस साल चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा, उसके अलावा हरिद्वार में महाकुंभ होगा। तो ये सब जो कुछ इंसिडेंट है जो इस साल होने वाले हैं, बड़े बड़े इंसिडेंट। अब जो यहाँ से ये तो परिचय था, इंट्रोडक्शन ही बोल सकते हैं। अब यहाँ से पार्ट ए जो है मतलब बजट का चालू होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल जो मतलब PDF है उसमें ये हाईलाइट नहीं किया गया, हाईलाइट मेरे द्वारा किया गया, इस बजट को पूरी तरीके से पढ़ करके हाईलाइट मेरे द्वारा किया गया, तो ये कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा कि ओरिजिनल मिनिस्ट्री से जो PDF डाउनलोड किए हैं उसमें तो हाईलाइट नहीं था। आगे है तो इन पार्ट ए आई विश टू ले अ विजन फॉर आत्मनिर्भर भारत, तो ये भी पूछा जा सकता है कि पार्ट ए में जो है क्या था, है ना, पार्ट ए का क्या मेन इशू था। तो विजन है आत्मनिर्भर भारत के लिए, तो आत्मनिर्भर भारत इज नॉट अ न्यू आइडिया, इंडिया हैज लार्जेस्ट सेल्फ रिलायंट एंड इक्वली अ बिजनेस एपिसेंटर ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे बताया कि आत्मनिर्भर भारत कोई नया आइडिया नहीं है, है ना, पुराने जमाने में एंशिएंट इंडिया में भी इंडिया अपने आप में आत्मनिर्भर था और उसी तरीके से बिजनेस का एपिसेंटर था, है ना, दुनिया में जितना भी ट्रेड होता था उसका मेन केंद्र बिंदु था इंडिया। आत्मनिर्भर भारत इज एन एक्सप्रेशन ऑफ 130 करोड़ इंडियंस हु हैव फुल कॉन्फिडेंस एंड कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स। आत्मनिर्भर भारत कोई एक शब्द नहीं है, ये 130 करोड़ लोगों का एक एक्सप्रेशन है,
उनका भाव है ना, और उनको अपनी कैपेबिलिटीज पे, उनके उनको अपने स्किल पे कंप्लीटली विश्वास है, और सब मिल करके आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। और बताया गया यहाँ पे कि हम लोग ऑलरेडी कई इंटरनेशनल ग्रुप के हिस्से हैं, है ना, जैसे G20 का भारत हिस्सा है, ब्रिक्स का हिस्सा है। इसके अलावा कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस आर रिलेटेड टू टुडे ऑफ इंडिया एफर्ट। तो जैसे एक डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, एकमात्र इंटरनेशनल संस्था जिसका मुख्यालय भारत में है, ये सब इंडिया के प्रयासों के कारण हुआ है, यहाँ पे तारीफ किया जा रहा है। द प्रपोजल इन पार्ट ए विल फर्दर स्ट्रेंथन द संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट, है ना। पार्ट ए में क्या क्या किस चीज़ को स्ट्रेंथन करने का संकल्प लिया गया है, तो नेशन फर्स्ट, देश सबसे पहले है, राष्ट्र प्रथम है, फार्मर की इनकम को डबल करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, हेल्दी इंडिया, गुड गवर्नेंस, अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, एजुकेशन फॉर ऑल, वीमेन एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट अमॉन्ग अदर्स है, तो इन सभी बातों पे आगे बढ़ना है। एडिशनली ऑन द पाथ ऑफ फास्ट इंप्लीमेंटेशन आर 13 प्रोमिसेज वी हैव बजटेड बजट 15-16। इसके अलावा 13 प्रोमिसेज जो 2015-16 के बजट में प्रस्तुत किया गया था, है ना। तो 2015-16 के बजट में क्या क्या था उसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो कई योजना हैं जिसका टाइम पीरियड जो है 2022 में पूरा होने वाला है ना, जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको 2022 टारगेट था, तो उन सभी टारगेटों को इस साल होगा, है ना। तो 2015-16 में जो किया गया था संकल्प से सिद्धि, उस समय यदि आपको याद हो, एक संकल्प से सिद्धि लाया गया था मोदी जी के द्वारा, उसमें कई संकल्प थे, जैसे सभी को घर हो, सभी को बिजली मिल जाए, है ना, तो ये सब 2022 तक का टारगेट था। तो ऐसे ऐसे 13 प्रोमिस थे जिसका टारगेट 2022 तक का था। ये जो है इसके लिए एक अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, ठीक है, अमृत महोत्सव जो है 2022 में मनाया जाएगा, आज़ादी के 75वां साल पूरा होने पर, ठीक है। द बजट प्रपोजल फॉर 2021-22 और रेस्ट ऑन 6 पिलर। तो बजट का जो प्रपोजल है इसके 6 पिलर हैं, ठीक है। पहला पिलर क्या है, हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप बस इतना याद रखिए कि 6 पिलर हैं, और 6 पिलर कौन कौन है ये भी याद रख लीजिएगा यदि पॉसिबल हो तो। तो क्या क्या, पहला हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर ये दूसरा है, तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट एस्पिरेशनल इंडिया, रीइन्विगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, है ना। तो ये तो बीजेपी 2014 से ही बोलते आ रही, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। तो हम लोग अब एक एक पिलर को लेकर के पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या था, हेल्थ एंड वेलबींग। तो हेल्थ एंड वेलबींग को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला इसमें है, इवन एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू से द इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस बजट हैज इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली प्रोग्रेसिवली एज इंस्टीट्यूशन अब्जॉर्ब मोर वी शैल कमिट मोर। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें कहना चाहते हैं, यानी वित्त मंत्री ये कहना चाहते हैं कि हेल्थ, मतलब कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो बजट है उनको, उसको काफ़ी बढ़ाया गया है, और आगे और भी ज़रूरत होगा तो हम लोग उसके लिए कमिटेड हैं, हम लोग उसको देंगे, उतना पैसा और देंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तीन चीज़ पे फोकस किया गया, 3 एरिया है जहाँ पे फोकस किया गया होलिस्टिक अप्रोच यदि देखा जाए हेल्थ का। पहला है प्रिवेंटिव, दूसरा है क्यूरेटिव, तीसरा है वेलबींग। ये 3 एरिया है बजट का, मतलब कि हेल्थ एंड वेलबींग में। प्रिवेंटिव यानी कि बचाना, जैसे कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। तो यानी कि बीमारी हो ही ना लोगों को, उस तरीके से बचाया जाए, यदि हो गया है तो क्यूरेट किया जाए, उसका उपचार किया जाए, और उसके उपचार होने के बाद उसको अच्छा से देखभाल किया जाए ताकि दोबारा बीमार ना पड़े। तो 3 एरिया है जहाँ पे काम किया जाएगा। अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, एक नया स्कीम लाने की बात कही गई है। देखिए बजट में जो कुछ होता है एक प्रॉमिस होता है, जैसे चुनाव में जो वादे किए जाते हैं ना कि हम रोड बनवा देंगे, नाली बनवा देंगे सब, ठीक है, तो उसी तरह के एक वादे हैं। अब ये वादे पूरा करने के लिए सरकार साल भर में डिफरेंट बिल लाएगी, है ना। जैसे जब ये योजना लाया जाएगा तो इसके लिए बिल लाया जाएगा एक, अब नहीं भी ला सकती है। लेकिन चुनावी वादा और बजट में जो किया गया वादा, दोनों में अंतर ये होता है कि चुनावी वादा हवा हवाई भी बन सकता है, ठीक है। बजट का जो वादा है उसको हवा हवाई बनने में मतलब थोड़ा दिन लगता है, कहते तो ये उतना हवा हवाई नहीं होता जितना चुनावी वाला होता है। इसको पूरा कर, क्योंकि सरकार संसद में बात को बोलती है, वो एक मंच पे बोलती है, सार्वजनिक सभा में, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ये संसद की अपनी एक गरिमा है, तो इसको लाज रखने के लिए जो बोला जाएगा उसको तो किया ही जाएगा। तो दोनों में बस अंतर यही होता है, नहीं तो देखा जाए तो दोनों बस एक वादे हैं जिसको पूरा करे ना करे सरकार पे उस पर कोई मतलब कि बोझ नहीं है कि हाँ हमको ये करना ही होगा, ठीक है। सरकार चाहे तो नहीं भी बिल ला सकती है, योजना नहीं भी आ सकता है, बस ये बोला गया है अभी कि हम ऐसा कुछ करेंगे साल भर में। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लाया जाए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है कि इसमें पैसा जो है कुछ पैसा केंद्र सरकार और कुछ पैसा राज्य सरकार देगी। यानी जब यह स्कीम लाया जाएगा तो इंडिया में जितने स्टेट हैं इंडिया में उनको बोला जाएगा कि आप अपने स्टेट में इस स्कीम को लागू कीजिए, लागू कीजिए, तो जो भी पैसा खर्च होगा उसका 60% हम देंगे, 40% आप दीजिए। नॉर्मल स्टेट के केस में 60-40 का रेशियो होता है,
यदि जो मतलब जो विशेष राज्य का दर्जा जिनको प्राप्त होता है, स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस जिनको मिल जाता है, उनको 90-10 का रेशियो होता है, ठीक है। 90% केंद्र सरकार पैसा खर्च करेगी और 10% राज्य सरकार को देना होगा, नॉर्मल केस में 60-40 का। इसीलिए बहुत सारा स्टेट जो है मांग करते रहता है कि विशेष राज्य का दर्जा हमको दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, है ना। जैसे बिहार मांग करता है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, उससे क्या फ़ायदा होगा, तो राज्य सरकार का पैसा बचेगा। 90% जो है केंद्र सरकार खर्च करेगा, 10% राज्य सरकार करेगा, तो यहाँ अभी 40 करना पड़ता है बिहार को, उसको बाद में 10 करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है बिहार बार बार ये मांग करता है। केंद्र क्यों नहीं देता है, क्योंकि उसको जानते हैं कि अभी 60 देना पड़ता है तो 90 देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो है केंद्र देना चाहता नहीं है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये होता है कि दोनों मिल करके चलेंगे, है ना। ज़्यादा पैसा हम देंगे, कुछ तुम भी लगाओ, उसके बाद स्टेट में योजना को लागू करो। तो सबसे पहले क्या है, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना लाया जाएगा, अभी आया नहीं, विल बी लॉन्च्ड, लैंग्वेज पे जाइए, विल बी लॉन्च्ड विथ एन आउटले ऑफ 64180 करोड़, 64,180 करोड़ के बजट है उसका। 6 साल में इसको लागू किया जाएगा, मतलब कि लागू किया जाएगा, पूरा होने में 6 साल लग जाएगा। दिस विल डेवलप कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सियरी केयर हेल्थ सिस्टम। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, तीनों हेल्थ केयर सिस्टम है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सियरी। स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन, जो भी संस्था उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, नए इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, है ना। और जो नए डीजी जा रहे हैं उनके लिए क्योर खोजा जाएगा इन सब में। दिस मीन एडिशन टू नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन जो अभी चल रहा है उसके बावजूद ये होगा, मतलब वो अपना चलेगा, ये भी आएगा। ऐसा नहीं है कि नेशनल हेल्थ मिशन को बंद करके लाया जाएगा, ऐसा नहीं है, वो भी चलेगा और ये भी चलेगा, ठीक है। द मेन इन्वेंशन अंडर द स्कीम, इस स्कीम के अंदर और क्या क्या है, द सपोर्ट फॉर इतना रूरल एंड इतना अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो ये सब डाटा याद करने की उतना जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कि अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में भी कुछ ना कुछ बनाया जाएगा। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ लैब बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, इतना ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाया जाएगा, 11 स्टेट में लागू किया जाएगा, सारे जगह नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा क्रिटिकल एयर हॉस्पिटल ब्लॉक में इतना बनाया जाएगा, इतना डिस्ट्रिक्ट में इतना इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे। तो ये सब बातें हैं, इसको आप पॉज करके या फिर जो PDF टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है कमेंट्स में डिस्कशन टैब में, उसमें आप जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये सब बातें वहाँ पर की गई हैं। यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि सेटिंग ऑफ 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन और 2 मोबाइल हॉस्पिटल बनाया जाएगा उसमें। उसके अलावा यहाँ पे सेटिंग अप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, इसका नाम रहेगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। WHO का एक WHO जो है पूरे दुनिया में काम करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका साउथ ईस्ट एशिया रीजन में एक रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी एंड 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। अभी जो है एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, अभी सिर्फ और सिर्फ पुणे में है, 4 और रीजनल बनाए जाएंगे। अभी तो नेशनल वाला तो रहेगा ही जहाँ है, इसके अलावा 4 रीजनल बनाए जाएंगे। तो ये सब जो लास्ट का 2 वाला है ये दोनों याद रखिएगा, बाकी ये सब आपसे कहीं नहीं पूछने वाला कि कितना क्या ये सब डिस्ट्रिक्ट ये सब ब्लॉक वाला, ठीक है। जो जो मेन है वो आप पूरा पढ़ भी सकते हैं और ऐसे तो हम बता ही रहे। आगे है न्यूट्रिशन, तो ये भी हेल्थ पहला पिलर पे ही चल रहे हैं ना, हेल्थ एंड वेलबींग में चल रहे हैं। टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशनल कंटेंट डिलीवरी आउटरीच एंड आउटकम, वी विल मर्ज द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एंड पोषण अभियान अलॉन्ग द मिशन पोषण 2.0। अभी 2 योजना चल रहा है, एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम और एक पोषण अभियान, 2 योजना भी चल रहा है, दोनों को मर्ज किया जाएगा। वी विल मर्ज, यहाँ पे देखिए विल लगा हुआ है, मतलब मर्ज किया जाएगा, ऐसा सोचा गया है सरकार के द्वारा कि साल भर में काम कर लेंगे, तो वी विल मर्ज, है ना, मतलब मर्ज किया जाएगा। और मर्ज करके नाम क्या रखा जाएगा, मिशन पोषण 2.0, ठीक है। और इसको मेनली कहाँ लागू किया जाएगा, स्ट्रेटजी मतलब कि ज़्यादा जोर देके कहाँ लागू किया जाएगा, 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। तो अपने आप में इसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है पहले समझिए, तो इंडिया में जितने भी जिले हैं उसमें से 112 ऐसा जिला है जिसको पिछड़ा घोषित किया गया है, मतलब उसको माना गया है कि इसको डेवलप करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब 112 जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, इसको चयन किया कौन है, तो इसको चयन किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। 112 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उसको चयन नीति आयोग के द्वारा किया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है छोटे जो एग्जाम है उसमें यही पूछा जा सकता है कि इतने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं तो 112, ठीक है। कौन लागू किया है, तो नीति आयोग। क्यों किया गया है, तो क्योंकि ये पिछड़े जिले थे, इनको डेवलप करना ज़्यादा जरूरी है। अब आपके लिए क्या काम है, आप अपने स्टेट में कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं एक कमेंट मतलब कि कमेंट सेक्शन बताइए गूगल से सर्च करके। यदि आपको आता हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप सर्च कीजिए मतलब कि गूगल में सर्च कीजिए कि कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमारे स्टेट में, मतलब आप जिस स्टेट में रहने वाले हैं, और वो बताइए यहाँ पे कि हाँ हमारा स्टेट यहाँ है और इतने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि क्या आपका डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है या नहीं आता है, ठीक है। मेरा डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है, हम आपको बता दे रहे हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। पूरे मतलब यूनिवर्सल कवरेज यानी सभी को पानी का सप्लाई, उसके लिए क्या योजना है।
तो द WHO हैज रिपीटेडली स्टेट इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर। जैसे कहा जाए WHO की तरह बार बार कहा जाता है कि क्लीन वाटर इंडिया में क्लीन वाटर नहीं है, सैनिटेशन ये सब पे जोर देने के लिए कहा जाता है। जल जीवन मिशन अर्बन विल बी लॉन्च, तो अभी भी एक जल जीवन मिशन है, ये रूरल एरिया के लिए है। अब जो अर्बन के लिए लॉन्च किया जाएगा, विल बी लॉन्च अभी हुआ नहीं है, तो जल जीवन मिशन अर्बन विल बी लॉन्च। इट एम्स एट यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन 4378 अर्बन लोकल बॉडीज विद 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन एज वेल एज लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन 500 अमृत सिटीज। तो यहाँ पे एक और जी के आपको पता हो गया एक और डाटा कि अमृत सिटी कितने हैं, तो 500 अमृत सिटी हैं, अमृत है ना। इट विल इंप्लीमेंट ओवर 5 ईयर्स, इसको लागू होने 5 साल लग जाएगा और इतना करोड़ रुपया उसके लिए दिया गया है। तो बस इतना याद रखिए, जल जीवन मिशन अर्बन लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसके तहत 500 अमृत सिटी में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट बनाया जाएगा और अर्बन लोकल बॉडी और हाउस में टैप कनेक्शन दिया जाएगा। आगे है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो फॉर फर्दर स्वच्छता ऑफ अर्बन इंडिया वी इंटेंड टू फोकस ऑन कंप्लीट फेशियल स्लज मैनेजमेंट। तो कंप्लीटली फेशियल स्लज मैनेजमेंट के दिशा की ओर बढ़ते हुए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को बढ़ते हुए, उसका सोर्स सेग्रेशन ऑफ गार्बेज, गार्बेज का सोर्स पे ही सेग्रेशन किया जाए, मतलब कि गार्बेज में जो डिफरेंट होते हैं जैसे गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, प्लास्टिक अलग, इसका सेग्रीगेशन जो है सोर्स पे ही कर दिया जाए जहाँ पे कचरा जनरेट हो रहा है। जैसे आप किसी मॉल में या हॉस्पिटल में जाइएगा तो आपको 2-3 डस्टबिन मिलेगा, एक ग्रीन कलर का एक ब्लू कलर का है ना। हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहाँ पे 3-4 होता है, जैसे नीडल इंजेक्शन वगैरह का जो होता है प्लास्टिक उसको फेंकने के लिए अलग, उसके अलावा जो कपड़ा वगैरह वहाँ पे या रुआ वगैरह होता है उसके लिए अलग, इस तरीके से। तो पहले ही सोर्स में सेग्रीगेट कर दिया जाए, इसके लिए योजना लाया जाएगा, मतलब कि काम किया जाएगा उस पर। सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने के लिए रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन बाई इफेक्टिवली मैनेजिंग वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो इसके लिए जो है आगे सरकार काम करेगी। द अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन, याद ध्यान दीजिएगा, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 विल बी लॉन्च्ड इंप्लीमेंटेड विद अ फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ इतना करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर 2021 से 26, 5 साल में इतना करोड़ के खर्चा से अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लागू किया जाएगा। क्लीन एयर की बात किया जाए तो टू टैकल बर्गनिंग प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन आई प्रपोज टू प्रोवाइड एन अमाउंट ऑफ 2217 करोड़, याद रखिए 2217 करोड़ किस लिए दिया गया, तो 42 अर्बन सेंटर, ठीक है, 42 सिटी में, ये डाटा याद रखिए, जो छोटे मोटे डाटा है जिसमें एक आध डाटा है वो डाटा पूछ लिया जा सकता है। तो 42 अर्बन सेंटर में जिसमें मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, विथ अ मिलियन, मिलियन में होता है 10 लाख, तो जिसमें 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वैसे 42 सेंटर में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 2217 करोड़ दिया गया है। स्क्रैपिंग पॉलिसी, स्क्रैपिंग कहना मतलब कि कबाड़ी वाला काम करना, ठीक है, रिसाइकल जिसको आप बोल सकते हैं हम भाषा में। तो वी आर सेपरेटली अनाउंसिंग अ वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, एक यहाँ पे नया पॉलिसी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। वॉलंटरी यानी कि आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, व्हीकल यानी गाड़ी, स्क्रैपिंग यानी कि उसको रिसाइकल करवाना, यानी आपका गाड़ी यदि पुराना हो गया और आप चाहते हैं कि इसको स्क्रैप करके नया बनाया जाए, ठीक है, तो उसके लिए वॉलेंट्री स्कीम लाया जाएगा, वॉलेंट्री पॉलिसी लाया जाएगा, यानी कि आपके इच्छा पे है, ऐसा नहीं है कि आपका गाड़ी 15 साल का हो गया तो सरकार खींच के उसको नया बना के करेगी, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो एक नया पॉलिसी लाया जाएगा टू फेज आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल, जो पुराने और अनफिट व्हीकल हैं, एक इस पर लागू किया जाएगा। तो सबसे पहले इससे फ़ायदा क्या होगा, तो फ्यूल आपका बचेगा क्योंकि पुराना इंजन ज़्यादा तेल पीता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, व्हीकुलर पोल्यूशन घटेगा, ऑयल इंपोर्ट बिल घटेगा, ऐसा फ़ायदा होगा। इस किस पे लागू होगा, तो पर्सनल व्हीकल के केस में 20 साल, ठीक है, पर्सनल व्हीकल के केस में 20 साल और कमर्शियल व्हीकल के केस में 15 साल। तो जिसका 15 साल कमर्शियल व्हीकल में और पर्सनल में 20 साल यदि हो गया है तो उसको एक तरह से सुविधा दिया जाएगा, मतलब उसके इच्छा पे डिपेंड करेगा कि चाहे तो व्हीकल को अपना रिसाइकल करवा सकता है, उसका स्क्रैप करवा सकता है। अभी इस पर कुछ डिटेल आया नहीं है, इस स्कीम का डिटेल आगे बिल में जब आएगा पॉलिसी तब लॉन्च किया जाएगा। वैक्सीन के बारे में बात किया जा रहा है, तो न्यूमोनिकल वैक्सीन, ये निमोनिया लिखा हुआ है, ठीक है, तो न्यूमोनिकल वैक्सीन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, एक मेड इन इंडिया निमोनिया का वैक्सीन बनाया गया है जो अभी मात्र 5 स्टेट में है, जो अभी मात्र 5 स्टेट में, जिसको पूरे कंट्री में लॉन्च किया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, तो 50,000 बच्चे जो डेथ हो जाता है निमोनिया के कारण, लगभग 50,000 बच्चे का डेथ हो जाता है निमोनिया के कारण, वो बच पाएंगे, है ना। तो याद रखिए मेड इन इंडिया वैक्सीन है तो इस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, अभी 5 ही स्टेट में है, पूरे कंट्री में अभी लॉन्च किया जाएगा। कंट्री मतलब कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरेटरी, टोटल मिला के 36। COVID-19 के वैक्सीन के लिए जो है इतना करोड़ रुपया दिया गया है, आगे यदि जरूरत पड़ेगा तो दिया जाएगा, जो बोला गया है। उसके अलावा बजट का जो हेल्थ मिनिस्ट्री का जो बजट है, बजट आउटले फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, पहले जो था 94,452 करोड़ था, जिसको बढ़ा के काफ़ी बढ़ाया गया है, 2,23,846 करोड़ किया गया, यानी 137% का इंक्रीज किया गया है, ठीक है, इंक्रीज है 137 का, मतलब पहले 100 था तो अब 237 हो गया है,
कहने का मतलब ऐसा है। तो इस तरीके से हेल्थ का बजट जो है काफ़ी बढ़ा है। इसका जो डिटेल है किस क्षेत्र में कितना दिया गया है, मतलब कि हेल्थ वाले सेक्टर में पैसा कैसे कैसे खर्च होगा, एनेक्चर वन है नीचे दिया हुआ है लास्ट में, तो वहाँ पे हम लोग जब पहुँचेंगे तो देख लेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा पिलर जो था फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी कि आपका जो इंसेंटिव है उसको प्रोडक्शन से बढ़ा दिया गया है, मतलब उसको लिंक कर दिया गया, प्रोडक्शन बढ़ाइएगा तो आपका इंसेंटिव भी बढ़ जाएगा। तो फॉर US$5 trillion इकोनॉमी आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ टू ग्रो, तो सबसे पहले बोला गया कि हम लोग यदि 5 trillion इकोनॉमी बनना चाहते हैं, $5 trillion का इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको डबल डिजिट में ग्रो करना पड़ेगा, मतलब उसका मिनिमम ग्रोथ रेट जो है 10% के आसपास होना चाहिए, मिनिमम है ना, डबल डिजिट मतलब 10% कम से कम। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना पड़ेगा, उसके साथ ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी मतलब नए नए टेक्नोलॉजी लाने पड़ेंगे। ये सबको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, PLI स्कीम टू बी क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल कंपनी फॉर एन आत्मनिर्भर भारत है बीन अनाउंस्ड फॉर 13 सेक्टर। तो 13 सेक्टर का पहचान किया गया है जहाँ पे आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए लगभग इतना का लाख करोड़ 1.97 लाख करोड़ जो है 5 साल में खर्च किया जाएगा, जो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर से चालू हो रहा है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे और क्या फ़ायदा होगा, तो लोगों को जॉब मिलेगा, है ना। टेक्सटाइल सेक्टर की बात किया जाए तो टू इनेबल द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू बिकम ग्लोबली कम्पिटेटिव, अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो उस सेक्टर में, है ना, ग्लोबली कम्पिटेटिव बने। एक स्कीम लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम रहेगा मित्र, मित्र का फुल फॉर्म होगा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, विल बी लॉन्च इन एडिशन टू PLI स्कीम। PLI स्कीम तो है ही, उसके अलावा एक मित्र स्कीम लाया जाएगा जो सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के लिए होगा, ठीक है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। दिस विल क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विथ अ प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज टू इनेबल क्रिएट ग्लोबल चैंपियंस इन एक्सपोर्ट। 7 टेक्सटाइल पार्क विल बी एस्टेब्लिश्ड ओवर 3 ईयर, तो 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क का स्थापना किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जिसका अनाउंसमेंट किया गया था December 2019 में, यदि आप उस समय करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपको याद होगा, तो इसमें कई योजना था, है ना, कई योजनाएं थी इसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में, काफ़ी बड़ा स्कीम में था। इट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होल ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज वर अनटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द NIP वाज लॉन्च विथ 6835 यानी कि 6835 प्रोजेक्ट, इसमें 6835 प्रोजेक्ट थे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में, इसीलिए इसको पाइपलाइन बोला गया था। इसको अब जो है 7400 प्रोजेक्ट इसमें शामिल किया गया, मतलब 6835 पहले था, अब लगभग 565 प्रोजेक्ट और इसमें शामिल कर दिया गया, मतलब टोटल मिला के अब इसमें 7400 प्रोजेक्ट हो गए हैं। अराउंड 217 प्रोजेक्ट वर्थ 1.110 लाख करोड़ अंडर सम इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री हैव बीन कंप्लीटेड, ये जो 6800 प्रोजेक्ट था उसमें 217 प्रोजेक्ट पूरा भी हो चुका है। तो प्रोजेक्ट था किस चीज़ का, तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड बनवाना है, बिल्डिंग बनवाना है, स्कूल बनवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट था, है ना। तो ऐसा ऐसा 6835 पूरे कंट्री भर का प्रोजेक्ट था जिसको अब 7400 कर दिया गया और उसमें 217 पूरा हो चुका है, 6835 वाले में 217 पूरा हो चुका है, और पूरा हुआ उसमें खर्च कितना है 1.10 लाख करोड़। आगे बढ़ते हैं हम लोग, द NIP इज अ स्पेसिफिक टारगेट विच दिस गवर्नमेंट इज कमिटेड टू अचीविंग ओवर द कमिंग ईयर्स, है ना, मैंने आने वाले समय में इसको पूरा कर लेंगे, ये आश्वासन दिया जा रहा है। तो इसको पूरा करेंगे कैसे, उसका 3 तरीका बताया गया है। फर्स्टली बाय क्रिएटिंग द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। बाय अ बिग थ्रस्ट ऑन मोनेटाइजिंग एसेट, एसेट को मोनेटाइज करेंगे। एंड थर्डली बाय एनहेंसिंग द शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेंट्रल एंड स्टेट बजट, और जो खर्च होगा उसको सेंटर और स्टेट दोनों अपना अपना हिस्से से पे करेंगे। तो ये सब कुछ स्टेप हैं। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करने के लिए एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जिसका नाम रहेगा DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए। जैसे आप देखिए, आप यदि कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लोन आसानी से मिल जाता है, क्यों, क्योंकि बैंक को पता है कि बिजनेस जब आदमी करेगा फायदा होगा तो हमारे लोन को तुरंत चुका देगा। लेकिन यदि सरकार रोड बनाना चाहती है, सरकार के पास पैसा है नहीं लेकिन रोड बनवाना चाहती है, तो बैंक के पास जाएगी, बैंक को कहेगी कि भाई हमको तुम लोन दो, हमको रोड बनवाना है। तो बैंक कहेगा तुम रोड तो बनवा देगा, उससे टोल से तुम कमाएगा लेकिन जल्दी तो नहीं कमाएगा, है ना। तो यानी कि बैंक को ज़्यादा दिन के लिए लोन देना पड़ेगा। इनडायरेक्टली हम समझाना ये चाहते हैं कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, है ना, तो बैंक को ज़्यादा दिन के लिए लोन देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऐसा है कि उसको बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर उसमें जब उससे जब इनकम होगा तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, और बैंक कितने दिन तक वेट नहीं कर सकता कि हाँ आपको 10 साल के लिए लोन दे दे, ठीक है।
तो अब तो बैंक तो लोन देगा नहीं उस केस में, तो यही दिक्कत होता है आज, मतलब कि अभी जो स्थिति है उसमें यही दिक्कत होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनवाना है तो लोन आसानी से नहीं मिल पाता है। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए एक बनाया जाएगा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनडायरेक्टली एक तरह समझिए कि एक बैंक बनेगा जिसका नाम है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका काम क्या होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर नीड लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग, जो हम अभी आपको समझाएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लंबे समय के लिए डेट फाइनेंसिंग चाहिए, और इसके लिए और भी एक प्रोफेशनली मैनेज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नेसेसरी है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आई शॉल इंट्रोड्यूस अ बिल टू सेटअप अ DFI, तो DFI सेटअप करने के लिए भविष्य में एक साल के अंदर जो है बिल लाया जाएगा, हो सकता है नहीं भी लाया जाए, एक वादा है, वादा टूटता ही है। तो प्रोवाइडेड अ सम ऑफ 20,000 करोड़, तो इसके लिए 20,000 करोड़ का पैसा लगाया जाएगा DFI में। अब आप समझिए कि DFI में पैसा कहाँ से आएगा, है ना, जैसे हम तो बोलते थे कि उसके लिए DFI सेटअप करेंगे, DFI लॉन्ग टर्म के लिए डेप्ट देगा, लंबे समय के लिए लोन देगा, लेकिन DFI का पैसा कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले सरकार उसमें 20,000 करोड़ उसमें डालेगा, तो 20,000 करोड़ में क्या होने वाला है, 20,000 करोड़ में तो छोटा मोटा प्रोजेक्ट ही लागू होगा। तो फिर उसके लिए पैसा हम मतलब कि एक बैंक बनेगा, तो उसमें हम या आप जो है अपना पैसा जो है लंबे समय के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो लोन जो है लंबे समय के लिए देता है, तो ये जो लोन मतलब कि पैसा जब जमा करवाएगा पब्लिक से अपने बैंक में, ये तो ये भी लंबे समय के लिए होगा, एक फिक्स डिपॉजिट की तरह होगा, है ना। तो इसका जो पैसा जो भी आएगा इनकम, मतलब इसमें पैसा जो आएगा आम पब्लिक से ही आएगा, ठीक है। उसको इन्वेस्टमेंट का तरीका भले अलग होगा कि जैसे उसका शेयर खरीद लीजिए या फिर उसमें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो यहाँ पे कहा जाए कि इसके लिए 20,000 करोड़ इसमें डाला जाएगा। द एम्बिशन इज टू लेंडिंग पोर्टफोलियो एटलीस्ट 5,00,000 करोड़ फॉर DFI 3 ईयर टाइम्स, और लगभग 5, उम्मीद किया जा रहा है कि 5,00,000 करोड़ जो है जनता से इसको किसी तरीके से लाया जाएगा, मतलब जनता जो है इसमें पैसा जमा करेगी और जनता कुल मिला के 5,00,000 करोड़ जमा कर देगी, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। अब उम्मीद पर जनता खड़े उतरती है नहीं वो बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट है डेप्ट फाइनेंसिंग ऑफ INVITs एंड REITs बाई फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो INVIT जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो है डेप्ट फाइनेंसिंग करते हैं, है ना। REIT जो है रियल इस्टेट के सेक्टर में करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये करते हैं। बाई फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर विल बी इनेबल्ड बाई मेकिंग सुटेबल अमेंडमेंट। तो अभी जो है इसमें फॉरन विदेशी लोग जो है अभी इसमें पैसा नहीं लगा पाते हैं चाहते हुए भी, है ना, क्योंकि उसके लिए कानून उनको बाधा डालता है। अब क्या किया जाएगा, जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है, उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ये सुटेबल बनाया जाए कि वो लोग भी जो है इस संस्था में पैसा डाल पाए। जो अभी अभी हम लोग पढ़े ना कि DFI, तो ये दोनों जो संस्था है DFI की तरह ही छोटा मोटा काम करता है, मतलब DFI का छोटा मोटा रूप है, DFI इससे काफ़ी बड़ा, इसका विशाल रूप होगा, ठीक है। तो इसमें जो है विदेशी लोग भी पैसा लगा पाए, है ना, अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, विदेशी लोगों से भी इसको पैसा मिले, इसके लिए लेजिस्लेशन में सुधार किया जाएगा। अब एसेट मोनेटाइजेशन, संपत्ति है उसको मोनेटाइज करना, पैसा क्योंकि सरकार के पास कम है, अभी टैक्स उतना जा नहीं रहा है, ठीक है, तो और खर्चा बढ़ गया है, तो एसेट मोनेटाइज किया जाएगा। तो मोनेटाइजिंग ऑपरेटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, जो अभी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है उसको मोनेटाइज किया जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑप्शन फॉर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर बेचना पड़ेगा, इनडायरेक्टली कहा जा रहा है, यहीं पर लोग कह रहा है कि सरकार जो कंपनी बेच रही है, देश बेच रही है, फलना बेच रही है, चिलना बेच रही है, तो बोलने वाले बोलने दीजिए, हम लोग को पढ़ने दीजिए, है ना। तो मोनेटाइजिंग ऑपरेटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑप्शन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पुराने वाले को मोनेटाइज करना पड़ेगा। मोनेटाइज करना मतलब कि हम उसको बेचेंगे, ठीक है, आधा ही बेचें या फिर किसी तरीके से बेचें, लेकिन उससे हमको पैसा चाहिए जो पुराना वाला है ना। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ पोटेंशियल ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट विल बी लॉन्च्ड। तो देखिए यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है वो दो तरह का होता है, एक होता है ग्रीनफील्ड, एक होता है ब्राउनफील्ड, ठीक है। ग्रीनफील्ड क्या होता है, जहाँ पे एक नया अभी जो है वहाँ पे बस जमीन है, वहाँ पे एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। जैसे आप घर बनाना चाहते हैं तो आप जमीन खरीदें, वहाँ पे आप पहले सब कुछ नीचे उसका जो बेस होता है वो मरम्मत करवाए बनवाए, उसके बाद आप फर्स्ट फ्लोर बनवाए, सेकंड फ्लोर बनवाए, जो भी है, तो ये हो गया ग्रीनफील्ड। ब्राउनफील्ड बोलते हैं कि वहाँ पे पहले से कुछ ना कुछ है, ठीक है, जैसे आपको आप जैसे एक जमीन खरीदे उसको बनाए तो हो गया ग्रीनफील्ड। आप एक पुराना घर खरीद लिए, ठीक है, उस घर आपके मुताबिक नहीं बना हुआ है, आप चाहते हैं कि मेरा किचन इधर हो, उसमें किचन यहाँ पे है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको जो है तोड़ करके आप अपने हिसाब से उसको बनवाइएगा। तो ये होता है ब्राउनफील्ड, यानी जो पहले से वहाँ पे कुछ है हम उसका बस मरम्मत करवा रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, तो वो है ब्राउनफील्ड। और वहाँ पे पहले से कुछ नहीं है, बस अभी ज़मीन है, हम उसको शुरू से करवा रहे हैं, तो होता है ग्रीनफील्ड। तो एक मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, एक मोनेटाइजेशन स्कीम लाया जाएगा जिसमें ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मोनेटाइज किया जाएगा। एन एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड विल बी क्रिएटेड फॉर ट्रैकिंग द प्रोग्रेस।
और इन्वेस्टर जो लोग खरीदना चाहते हैं, ठीक है, जैसे अब मान लीजिए कंपनी बिकेगा तो खरीदेगा कौन, हमारे आपके जैसे लोग खरीदेंगे, जिनके पास पैसा है वो खरीदेंगे, तो खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा, मतलब ऑनलाइन वेबसाइट बनाया जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या मोनेटाइज किया जाएगा वो पढ़िए अब। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड PGCIL, ठीक है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जो नेशनल हाईवे को मरम्मत करवाती है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके लिए PGCIL है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो आपके आसपास के मतलब कि शहर में पावर ग्रिड आप बोलते हैं कि वहाँ पे पावर ग्रिड है, वहाँ से बिजली आती है, तो पावर ग्रिड एक्चुअली एक कंपनी का नाम है ना, जैसा कि इंडिया में होता है कि जो नामी कंपनी होता है सब कुछ उसे, जैसे कोलगेट हो गया, कोलगेट एक कंपनी का नाम है, लेकिन हम लोग पेप्सोडेंट का कोलगेट खरीदते हैं, पतंजलि का भी कोलगेट खरीदते हैं, तो इस तरीके से तब और भी कई चीज़ ऐसा है। तो PGCIL जो है एक कंपनी है जिसका नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, उसका जो है एक बड़ा सा यूनिट किसी शहर में होता है जहाँ से आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई किया जाता है, तो सब उसको पावर ग्रिड बोल देता है, ठीक है। तो पावर ग्रिड एक कंपनी का नाम है, तो PGCIL वही यहाँ पे लिखा है, NHAI और PGCIL ये दोनों को कहा गया है कि आप जो है एक INVIT को इन्वेस्ट कीजिए, आप स्पॉन्सर कीजिए, जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए INVIT और रियल इस्टेट को डेवलप करने के लिए REIT, तो NHAI और PGCIL को कहा गया है कि आप एक एक दोनों जो है दोनों आदमी NHAI और PGCIL दोनों कोई जो है एक एक INVIT को इंफ्रास्ट्रक्चर में को लोन देने वाले कंपनी को स्पॉन्सर करेगा, स्पॉन्सर करेगा मतलब कि उसको यदि पैसा घटेगा तो ये देगा। अब ये दोनों बड़ा कंपनी है, NHAI और PGCIL काफ़ी बड़ा बड़ा कंपनी है, अब एक किसी INVIT को स्पॉन्सर करेगा तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर हैं उनका दिमाग खुलेगा, अरे इसमें तो NHAI पैसा लगाए हुए हैं ना, ये नहीं डूबेगा, चलो इसमें पैसा डालते हैं हम अपना, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि NHAI जो और PGCIL जो है एक एक INVIT को स्पॉन्सर करेगा, इससे क्या होगा, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का ध्यान उस तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होंगे। 5 ऑपरेशनल रोड विल बी एस्टिमेटेड इंटरप्राइज वैल्यू 5,000 करोड़ आर बीइंग ट्रांसफर टू NHAI INVIT। उसके बाद किया जाए, जैसे INVIT एक है, एक INVIT है, दो INVIT है, इसको NHAI स्पॉन्सर कर दिया, इसको PGCIL स्पॉन्सर कर दिया, अब क्या होगा, 5 रोड इंडिया में 5 हाईवे जो होगा जिसका पांचों का वैल्यू मतलब वैल्यू जो है 5,000 करोड़ के आसपास का है, इस 5 रोड का जिम्मा जो है इसको दे दिया जाएगा, किसी INVIT को जो NHAI जिसको स्पॉन्सर किया है, NHAI जिस INVIT को स्पॉन्सर किया है, ठीक है, वो INVIT 5 रोड को मैनेज करेगा। तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, ये रोड को जो है बेच रहे हैं, है ना, इस रोड को जो आप मोनेटाइज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सरकार अभी इस पर किसका कंट्रोल है, NHAI का, है ना, सरकार का कंट्रोल है, अब किसका कंट्रोल होगा, इस INVIT का, और इस INVIT को पैसा कौन दे रहा है, NHAI, तो इनडायरेक्टली तो NHAI ही कंट्रोल कर रहा है ना, लेकिन अभी क्या होता था कि डायरेक्टली कर रहा है, अब इनडायरेक्टली करेगा, ठीक है। बीच में एक नया भाई साहब आ गए हैं INVIT, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया कि 5 ऑपरेशनल रोड मतलब नया रोड नहीं, ऑपरेशन जो अभी चालू है, ठीक है, 5,000 करोड़ का जो NHAI को NHAI वाला जो INVIT होगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसी तरीके से ट्रांसमिशनल एसेट ऑफ वैल्यू ऑफ 7,000 करोड़, ठीक है, ट्रांसमिशनल एसेट मतलब रोड नहीं, ट्रांसमिशन जिसमें ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है, बिजली वाला, तो उस उधर का 7,000 करोड़ का संपत्ति जो है PGCIL वाले INVIT को ट्रांसफर कर दिया जाए, मतलब PGCIL के संपत्ति से 7,000 करोड़ रुपया जो है, 7,000 करोड़ का संपत्ति का जो है PGCIL जिस INVIT को स्पॉन्सर करेगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये होगा यहाँ पे, उसके इसे क्या होगा, सरकार को पैसा मिल जाएगा, एक नया INVIT और REIT को थोड़ा सा इज्जत मिल जाएगा, है ना, कि अब वो रोड को मैनेज करता है। रेलवे बिल भी मोनेटाइज, यहाँ पे पढ़िए, रेलवे बिल मोनेटाइज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो रेलवे जो है मोनेटाइज करेगा किस चीज़ को, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को। तो ये क्या होता है, तो नया नया रेलवे लाइन बिछाया गया, आप सुने होंगे कि 2 रेलवे लाइन बिछाया गया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मतलब उस पर सिर्फ मालगाड़ी चलेगा। अब इसका जरूरत काहे पड़ गया, तो विदेशों में आप देखे होंगे चाहे TV वगैरह में कि मालगाड़ी भी 2 महला होता है ना, इंडिया में तो आप 1 महले देखे होंगे। तो इसमें होता क्या है प्रॉब्लम कि इसी एक ही ट्रैक में पैसेंजर भी चलता है, पैसेंजर गाड़ी भी और मालगाड़ी भी। अब मालगाड़ी को 2 महला कर देंगे तो तार से ऊपर चला जाएगा, तो इसका बिजली मिलेगा कहाँ से। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है, उसमें तार काफ़ी ऊंचा पे लगाया गया है ताकि उस पर 2 महला मालगाड़ी चल सके, है ना। तो आसान भाषा में तो ऐसे समझिए कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है बनवाया गया है, अभी रेलवे उसको मोनेटाइज करेगा, अभी बनवे किया है, है ना, रेलवे उसको मोनेटाइज करेगा किस बात के लिए, तो ऑपरेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए और कमीशन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट लॉट ऑफ एयरपोर्ट विल बी मोनेटाइज, नए कुछ और एयरपोर्ट को मोनेटाइज किया जाएगा। अभी जैसे कुछ एयरपोर्ट को किया गया है, दिल्ली तो काफ़ी पहले हो गया था, मतलब कि पिछले सरकार में ही, पिछले प्रधानमंत्री की सरकार में ही, हम नाम नहीं लेंगे, पिछला प्रधानमंत्री कौन था आप जानते हैं,
उसके बाद अभी 3-4 हुआ है, बड़ी हल्ला भी हुआ ओकरा पर दिल्ली जब हुआ तो कोई पढ़ने नहीं था उस समय, कोई जानता ही नहीं था कैसा भी कुछ होता है। तो नया जो है एयरपोर्ट का जो है मोनेटाइज किया जाएगा, वो भी उसी काम के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। अदर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट जैसे कि उनका एसेट मोनेटाइजेशन किया जाएगा, जैसे NHAI का ऑपरेशन टॉल रोड, NHAI का जो ऑपरेशनल टॉल रोड है उसको मोनेटाइज किया जाएगा। PGCIL का ट्रांसमिशनल एसेट को मोनेटाइज किया जाएगा। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन ऑफ गेल, IOCL और HPCL, ये तीनों को मोनेटाइज किया जाएगा, पूरा नहीं थोड़ा मोड़ा किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज में है उसके एयरपोर्ट को मोनेटाइज किया जाएगा। अब Tier 2 और Tier 3 सिटीज जो होता है ज्योग्राफी का टॉपिक होगा कि किसको Tier 2 बोलते हैं, जिसको Tier 3 बोलते हैं, ये पॉपुलेशन के आधार पर बांटा जाता है। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है उसको वेयर हाउस यानी कि जो सरकारी गोदाम है जहाँ पर सामान रखा जाता है उसको, उसके अलावा फिर स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये सबको कुछ हिस्से को मोनेटाइज किया जाएगा। मोनेटाइज किया मतलब कि उसको देख रेख का जिम्मेवारी जो है किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा और सरकार जो है उसके बदले कुछ पैसा अभी ले लेगी और प्राइवेट कंपनी जनता से वसूलेगी, है ना। जैसे अभी जैसे एयरपोर्ट को कैसे मोनेटाइज किया जाता है आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। मान लीजिए कोई ए शहर है, यहाँ पर एक एयरपोर्ट है यहाँ पे, इससे सरकार को अभी 1000 करोड़ का फायदा हो रहा है, साल भर में 1000 करोड़ रुपये इनकम है। अब सरकार की चाहती है कि यहाँ पे हम जो है 1500 करोड़ निकालें, अभी 1000 करोड़ आ रहा है। अब सरकार इसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, आप दाम बढ़ाइएगा किसी चीज़ का तो वहाँ पर सुविधा भी दीजिएगा ना। तो सरकार अभी क्या करना चाहती है कि पैसा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनवा करके फिर भी चाहती है कि 1500 करोड़ लाएँ, तभी क्या करेगी किसी प्राइवेट कंपनी को बोलेगी कि देखो भाई तुम हमको 1500 करोड़ दे दो और वहाँ पर तुमको जो करना है वो कर लो। अब कंपनी जो है देख रहा है कि अरे 1000 करोड़ तो ऐसा घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़ायदा हो रहा है, ये 1500 करोड़ सरकार को दे देगी। अभी 1500 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया है कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी है तो 2000 करोड़ कमाने के लिए सोचेगा, तो 2000 करोड़ कमाने के लिए सोचेगा तो उसका बर्डन किस पे आएगा, आम जनता पे आएगा, आम जनता से ज़्यादा पैसा वसूल करेगा। जैसे अभी एयरपोर्ट पे जाइएगा तो आपको टिकट पे एक सर्विस चार्ज लगता है, सर्विस चार्ज इसलिए लिया जाता है कि आप एयरपोर्ट पे गए तो वहाँ पानी पिए बैठे, है ना, वेटिंग हॉल में बैठे, ये सब का चार्ज लिया जाता है। तो मान लीजिए अभी चार्ज जो 50 रुपया है तो आने वाले समय में हो सकता है 500 कर दिया जाएगा क्योंकि अब वो प्राइवेट एयरपोर्ट हो चुका है। तो दिक्कत यहाँ पर आएगा, है ना, न कि एयरपोर्ट को कम्प्लीटली बेच दिया गया, ज़मीन बेच दिया गया, बाउंड्री बेच दिया गया, सब बेच दिया गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस आपको जो हम बताएं ऐसा कुछ होता है, ठीक है। यानी सरकार जो है पहले जहाँ पर 100 रुपया कमाती थी वहाँ पर अब 150 कमाएगी और प्राइवेट कंपनी को बीच में आ जाएगा जो 200 कमाएगा और 200 जनता से वसूला जाएगा, तो इनडायरेक्टली जनता पे ही बोझ बढ़ेगा। तो सब कुछ में वैसा ही किया जाएगा, उसको देख रेख का जो जिम्मा है वो प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा, प्राइवेट कंपनी उसका देख रेख बढ़िया से करेगा, सरकार को पहले से ज़्यादा पैसा पहुँचेगा और सरकार और प्राइवेट कंपनी जो है जनता से वसूल लेगा जितना सरकार को देगा उससे ज़्यादा। अब आगे है इन द बजट ईयर 2020-21 वी हैव प्रोवाइडेड 4.12 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए एक्सपेंडिचर जो खर्चा जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है, गलती से भी बजट बोला गया था। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं जिसके खर्च करने से कुछ संपत्ति का निर्माण होता है। जैसे हमारे पास 100 रुपया है, 100 रुपया में हम, या फिर 1 लाख रुपया है, 100 रुपया में तो कुछ नहीं खरीदा है आजकल, तो मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपया है, हम उस पर क्या किए कि उसका हम फ्रिज खरीद लिए, ठीक है, उसका हम एसी खरीद लिए, तो एक संपत्ति का निर्माण किए, भविष्य में हम चाहें तो एसी को बेच भी सकते हैं, फ्रिज को बेच भी सकते हैं, ठीक है। आई अभी क्या हुआ 1 लाख रुपया कैसे खर्च किए, 1 लाख रुपया का मान लो कि हम कपड़ा खरीद लिए या किसी को दे दिए, ठीक है, किसी को हम दे दिए ऐसे ही कि लो भाई हमारे पास 1 लाख रुपया तुमको पैसा की जरूरत है तू ले लो हम दानी है, ठीक है। तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जिससे संपत्ति क्रिएट नहीं हुआ, है ना। तो सरकार जो है दो तरीके, हर कोई दो तरीके का खर्च करता है। हम लोग जो खाना पे खर्च करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हम लोग खाते हैं, हमारा संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। उसके अलावा जो कुछ भी हम करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, कोई घर में सामान खरीदते हैं, वो संपत्ति क्रिएट करते हैं हम लोग, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो सरकार भी वही काम करता है, रोड बनवाता है, स्कूल बनवाता है, बिल्डिंग बनवाता है, तो क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, संपत्ति का निर्माण होता है। अब सरकार जो है लोगों को पेंशन देता है, पेमेंट देता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझिए एकदम आसान भाषा में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सरकार जो है 1,00,000 करोड़ रुपया दिया है, अभी 2020-21 में दिया था। इट वॉज रेफर्ड इन स्पाइट ऑफ रिसोर्स क्रंच वी शुड स्पेंड मोर कैपिटल। तो कहा जा रहा है कि रिसोर्स का क्रंच है, कमी है पैसा का, फिर भी हम लोग बढ़ाए हैं उसको, पहले था 4.12 तब उसको 4.39 कर दिए हैं, बड़े ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, ठीक है, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके अलावा ओवर एंड अबव दिस एक्सपेंडिचर वी विल आल्सो प्रोवाइडिंग मोर देन 2 लाख करोड़ टू स्टेट एंड ऑटोनोमस बॉडीज टू देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो सरकार इसके अलावा 2 लाख करोड़ रुपये स्टेट को देगी, उतना तो अपने करेगी खर्च, और भी जरूरत पड़ेगा तो और भी देगी। वहीं यहाँ पे कहेगा कि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए और भी जरूरत पड़ा तो वो भी देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। नेक्स्ट है रोड एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। द मोर देन 13,000 किलोमीटर ऑफ लेंथ ऑफ रोड एट द कॉस्ट ऑफ 3.3 लाख करोड़ ऑलरेडी बीन अवार्डेड अंडर द 5.35 लाख करोड़ भारतमाला प्रोजेक्ट। तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था, इसके तहत पूरे इंडिया में डिफरेंट तरीके का रोड बनवाना था, ठीक है। उसमें रोड जो है 13,000 किलोमीटर का रोड जो है बनवा दिया जा चुका है। मार्च 2020 आते आते 8,500 किलोमीटर का और बन जाएगा, ठीक है। आगे यदि बढ़ा जाए तो जहाँ जहाँ आपको अभी चुनाव मिलेगा, है ना, हम एक तरह सरकार पे व्यंग नहीं कर रहे हैं, बस याद रखना है आपको कि कहाँ कहाँ रोड बनवा रहा है ना, इस बार कहाँ कहाँ ये बजट में शामिल हुआ है। तो आपको स्टेट याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आप याद रख लीजिए कहाँ कहाँ चुनाव होने वाला है, उस स्टेट में रोड बनने वाला है। जैसे फिर आते हैं तमिलनाडु में, तो 3,500 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनेगा तमिलनाडु में, जिसके लिए इतना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इसमें रोड कहाँ कहाँ बनेगा, तो मदुरई से कोल्लम तक बीच में, ये सब उतना याद करने की जरूरत नहीं, बस याद रखिए कि तमिलनाडु में रोड बनेगा, केरला में बनेगा, पश्चिम बंगाल में बनेगा, ठीक है। इसके अलावा आसाम में बनेगा, तो वहाँ बनेगा जहाँ जहाँ चुनाव है, बाकी जहाँ चुनाव नहीं है 5 साल इंतज़ार कीजिए, वहाँ बन जाएगा। सम ऑफ द फ्लैगशिप कॉरिडोर एंड अदर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, तो यह नेक्स्ट 2 दिया गया है ना, उसमें ज़्यादा डिटेल में नीचे दिया गया एक लिस्ट बना करके कहाँ कहाँ रोड बनवाना है। उसके अलावा और कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे है, उसको 1,18,101 लाख करोड़ का बजट दिया गया है, जिसमें एक कहा गया है 1,18,000 में से 1,08,000 आपको कैपिटल पे खर्च करना है, पूंजी पे खर्च करना है, और सबसे हाईएस्ट है। तो ये याद रखिएगा, है ना, कि आज़ादी के 70 साल के बाद पहले बार ऐसा हुआ है इतना लंबा बजट, ठीक है। इतना ज़्यादा जो पैसा दिया गया है सबसे हाईएस्ट अभी तक का 1,08,000 करोड़ का है, ठीक है। 1,18,000 करोड़ दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड को, जिसमें 1,08,000 करोड़ बोला गया है कि आपको कैपिटल पे खर्च करना है, रेवेन्यू पे नहीं, उतना कैपिटल पे खर्च करना है। अब रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एक नया प्लान आया है, इंडियन रेलवे है प्रिपेयर्ड नेशनल रेल प्लान, ठीक है, फॉर इंडिया 2030। एक नया रेल प्लान आया है, तो इसका छोटे मोटे एग्जाम में डेट ही पूछा जा सकता है कि कब तक के लिए आया है भाई, तो 2030 के लिए आया है। इसके इस प्लान में है क्या, दिस प्लान इज टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030, यानी भविष्य के लिए रेलवे तैयार हो जाए 2030 तक, मतलब कि, तो उसके लिए एक नया प्लान आया है। ब्रिंगिंग डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री एट द कोर ऑफ आवर स्ट्रेटजी टू मेक इन इंडिया। कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया को सक्सेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे लिए कि जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट करने का, तो जो खर्चा है एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो खर्च होता है, वो खर्च को कम करें, तभी मेक इन इंडिया सक्सेस हो पाएगा। बात भी सही है। तो इसके लिए क्या किया गया, तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, है ना। तो जो अब पढ़े थे हम लोग कि जिसको रेलवे मोनेटाइज करेगी, 2 फ्रेट कॉरिडोर अभी बनाया गया है, एक है ईस्टर्न एक है वेस्टर्न। कौन कहाँ से कहाँ तक है कमेंट सेक्शन में बताना आपकी जिम्मेवारी है ना, कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है और वेस्टर्न वाला कहाँ से कहाँ तक है। ये जून 2022 में ऑपरेशन होगा, तो जैसे आपको बताया कि अभी बन भी नहीं किया लेकिन उसको मोनेटाइज किया जाएगा, ठीक है। तो जून 2022 में ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, उसके बाद इसको मोनेटाइज भी रेलवे तो कर ही रही है। इसके अलावा 2 तो पहले से था ही, मतलब अभी बन ही रहा है, ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। इसके अलावा और कुछ नया घोषणा किया गया है। सबसे पहले तो सोन नगर गोमो सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका सोन नगर और गोमो सेक्शन जो है, सोन नगर से गोमो तक का, गोमो झारखंड में पड़ता है, काफ़ी अच्छा जगह है गोमो, काफ़ी एक फेमस, मतलब कि ये जो है आपको हम बताते हैं, जैसे अभी हाल ही में सुनेंगे कि कालका मेल एक ट्रेन है, कालका मेल ट्रेन को नेताजी सुभाष के नाम पर रखा गया था, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था, उसके कुछ दिन पहले कालका मेल को नेताजी सुभाष के नाम पर रखा गया। उसके पीछे रीज़न ये था कि जब सुभाष चंद्र बोस जो है अंग्रेज़ को चकमा दे करके भाग रहे थे, है ना, रसिया जाने वाले थे, हालांकि रसिया गए नहीं बल्कि वो जर्मनी उनको जाना पड़ा किसी कारणवश, और हिटलर से जब मिले थे, तो जब यहाँ से मतलब इंडिया वो छोड़ने वाले थे, तो अंग्रेज़ का पूरा कोशिश था कि इंडिया उनको ना छोड़ने दिया जाए, फिर भी वो भेष बदल के किसी तरीके से, आप एक मतलब कि पढ़िएगा उनके बारे में तो जानिएगा, अभी हम शॉर्ट में बताते हैं कि किसी तरीके से वो कालका, मतलब कि गोमो स्टेशन से ही कालका मेल पकड़ करके, और वो मतलब कि उस समय इंडिया, जब इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो पेशावर तक उससे गए थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है गोमो स्टेशन का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे है, उसका गोमो स्टेशन का आप जाइएगा या फिर गूगल पर सर्च कीजिए तो पता चलेगा, उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र गोमो। गोमो झारखंड का एक जगह है, झारखंड में पड़ता है अभी, तो और कालका मेल से ही गए थे, इसलिए उस ट्रेन का नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस कालका मेल, पहले कालका मेल जो था अब उसका उनके नाम पर रखा है, और गोमो जो स्टेशन वो भी उन्हीं के नाम पे है, और क्यों है ये तो हम बता ही दिए।
तो सोननगर से गोमो सेक्शन जो है लगभग 263 किलोमीटर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वो पीपीपी मोड पे चालू किया जाएगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। फिर गोमो से डकनी सेक्शन जो है वो आगे भविष्य में उसको भी किया जाएगा, ठीक है। यानी कि पूरा जो डेडिकेटेड ईस्टर्न, ये वाला जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसका थोड़ा सा हिस्सा को ही मोनेटाइज किया गया है, आगे वाले को और मोनेटाइज किया जाएगा भविष्य में। इधर वाला भी सरकारी ही रहेगा, इधर वाला बाद में किया जाएगा। इसके अलावा जो है और भी कई प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, जैसे ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर फॉर खड़गपुर टू विजयवाड़ा, जैसे तो ये आया जाएगा, मतलब कि अभी आया नहीं है, तो पहले से दो है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न। अब नया आने वाला उसका नाम सुनिएगा ध्यान से, एक जैसा है इसलिए कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर फॉर खड़गपुर टू विजयवाड़ा, है ना, खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा तक। खड़गपुर कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, और वो बंगाल के किनारे दोनों, इसलिए इसका नाम है ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा तक, उसके अलावा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर फ्रॉम भुसावल टू खड़गपुर, खड़गपुर यहाँ पे है वेस्ट बंगाल में, भुसावल आपको पड़ता है महाराष्ट्र में, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है ईस्ट वेस्ट, है ना, ईस्ट यहाँ है, वेस्ट यहाँ है महाराष्ट्र वाला, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इसका नाम रखा गया भुसावल से खड़गपुर तक। तो डंकुनी और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर फॉर इटारसी टू विजयवाड़ा, इटारसी से विजयवाड़ा तक नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है आने वाले समय में बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर पाँच हो जाएंगे, अभी दो है, भविष्य में तीन बनने वाला, अब कब बनेगा सरकार जाने। उसके अलावा ब्रॉड गेज रूट किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड एक्सपेक्टेड रूट 46,000 किलोमीटर सीमेंट। तो यहाँ पे बताया गया कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये डेडलाइन याद रखिए कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो ब्रॉड गेज का कंप्लीट किया जाएगा दिसंबर 2023 तक, मतलब 2023 के बाद कहीं भी आपको डीजल वाला मतलब कि इंजन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा कि उस इलाके में सिर्फ और सिर्फ डीजल वाला ही जाता है, जैसे अभी भी कई इलाके हैं जहाँ पे इंजन को चेंज करना पड़ता है ना, डीजल वाला वहाँ पे लगाना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बताया जा रहा है कि पैसेंजर के सेफ्टी के लिए, पैसेंजर की सुविधा और सेफ्टी के लिए कुछ मेजर लिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है, वी विल इंट्रोड्यूस द एस्थेटिकली डिजाइन विस्टाडोम LHB कोच। LHB कोच जो होता है, LHB जो है एक जर्मन कंपनी है, ठीक है। तो LHB एक जर्मन कंपनी है, उसका वो कंपनी जर्मनी का है, लेकिन अब इसका कॉपी मतलब कि इंडिया में ही बनता है, ठीक है। जो कोच, जो रेड कलर का कोच आप देखते हैं ना राजधानी में, उसी कोच को बोला जाता है LHB कोच, ठीक है। पहले सिर्फ जर्मनी में बनता था, लेकिन हालांकि अब उसका इंडिया में भी बनता है, इंडियन कंपनी ही बनाती है। शुरुआत में इस तरह के कोच जर्मन में बनाया गया था, इसलिए अभी इसको LHB कोच ही बोला जाता है। तो LHB कोच में खासियत ये होता है कि मान लीजिए कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो दोनों टकराने के बाद आप देखेंगे पुराना वाला जो ब्लू कलर वाला ट्रेन होता है, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। जैसे एक ट्रेन सामने आ रही है ना, तो दूसरा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, आप देखेंगे कई बार एक्सीडेंट होता है। तो लेकिन LHB कोच में खासियत ये होता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करता है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा सुविधा होता है इसमें, तो इसलिए LHB कोच पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो जो टूरिस्ट जहाँ पे ज़्यादा आते हैं, वी विल इंट्रोड्यूस द एस्थेटिकली डिजाइन विस्टाडोम LHB कोच ऑन टूरिस्ट रूट टू गिव अ बेटर ट्रेवल एक्सपीरियंस टू पैसेंजर, है ना। तो टूरिस्ट रूट जिधर ज़्यादा है वहाँ पे LHB कोच लगाया जाएगा, हालांकि बहुत सारे ट्रेन LHB कोच से ऑलरेडी चल रहे हैं। द सेफ्टी मेजर अंडरटेकिंग इन द फास्ट फ्यूवर है बोर्न रिजल्ट। तो जैसा कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों में जो सेफ्टी मेजर लिया गया रेलवे के द्वारा, उसका रिजल्ट देखना शुरू हो चुका है, मतलब उसका परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। मतलब कि अभी जो है एक्सीडेंट उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लोगों का मृत्यु उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है एक्सीडेंट के कारण, होना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आई एम प्रोवाइडिंग अ रिकॉर्ड सम ऑफ 110,055 करोड़ फॉर रेलवे, और बीच 107,000, है ना। तो 110,000 करोड़ का बजट मिला है, जिसमें 107,000 करोड़ तो सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है। ध्यान, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि संपत्ति निर्माण करना है। अब आगे देखते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वी विल वर्क टुवर्ड रेजिंग द शेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अर्बन एरिया थ्रू एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल नेटवर्क एंड ऑगमेंटेशन ऑफ सिटी बस सर्विस। तो इसके लिए एक नया स्कीम लॉन्च किया जाएगा, है ना, मेट्रो रेल और सिटी सर्विस को बढ़ाने के लिए, जिसका कॉस्ट आएगा 18,000 करोड़ रुपया, और ये पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस को सपोर्ट करेगा। ये जो है PPP मोड पे भी काम करेगा, इसके लिए 20,000 बसेज लाए जाएंगे। इसके अलावा और भी कई घोषणा हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू लाया जाएगा, ठीक है, मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू लाया जाएगा। जो जैसे आप देखे होंगे अभी कोई भी ऐप आता है, जैसे एक आता है फेसबुक ऐप है, एक आता है फेसबुक लाइट। फेसबुक लाइट क्या होता है, कम MB का होता है, वो थोड़ा कम डाटा को कंज्यूम करता है, कम जगह लेता है आपके मेमोरी में। उसी तरीके से मेट्रो लाइट लाया जाएगा, सरकार भी अब उसी तरीके से काम करेगी। मेट्रो न्यू लाया जाएगा, दो तरीके का नया मेट्रो आएगा, यानी मेट्रो का छोटा मोटा भाई आएगा अभी,
ठीक है, तो जहाँ पे जिसका कॉस्ट काफ़ी कम होगा लेकिन मेट्रो जैसा एक्सपीरियंस होगा, है ना। अब फेसबुक लाइट चलाइए तो फेसबुक जैसा ही एक्सपीरियंस मिलता है। ये टीयर टू सिटीज़ में हो जाएगा, और टीयर वन सिटी का पेरिफेरल एरिया, मतलब कि ऐसे एरिया जहाँ पे मेट्रो लगाना पॉसिबल नहीं है, जो शहर के अंदर वाले हिस्से होते हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो आदमी उसको तो ऑटो से ही वहाँ जाना पड़ता है ना, तो इसको जोड़ने के लिए मेट्रो नियो लाया जाएगा, छोटे शहर में मेट्रो लाइट लाया जाएगा, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, अभी जो है 702 किलोमीटर का मेट्रो अभी ऑपरेशनलाइज है, और 1016 किलोमीटर का मेट्रो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लगभग 27 शहर में मेट्रो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये सब कुछ बातें हैं यार रखिए। उसके अलावा जो है ये सब इलाके में मेट्रो के लिए पैसा दिया गया है, कोची, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर मेट्रो, ये सब प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया गया, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो कहा जा रहा है कि लास्ट 6 ईयर में, द पास्ट 6 ईयर हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ रिफॉर्म्स एंड अचीवमेंट इन द पावर सेक्टर्स, है ना। पावर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है लास्ट के 6 साल में जब से भाजपा की सरकार आई है, ऐसा ही बजट में बोला जा रहा है। वी हैव एडेड 139 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी कनेक्टेड ऑन एडिशनल 2.8 करोड़ हाउस होल्ड, तो इतना ज़्यादा गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल किया गया पिछले 6 साल में, ऐड किया गया ना, मतलब पहले जितना था उससे ज़्यादा इतना बिजली प्रोडक्शन होता है, इतना करोड़ हाउस होल्ड और इतना लाख सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाया गया है। आगे द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अक्रॉस द कंट्री आर मोनोपोली, मोनोपोली कहने मतलब जब किसी बिजनेस में किसी एक कंपनी का ही ज़्यादा जिम्मेवारी होता है, मतलब कि ज़्यादा हिस्सेदारी होता है, दबदबा होता है उस कंपनी का, तो उसको मोनोपोली बोलते हैं। तो कहा जा रहा है कि इंडिया में कहीं भी देखा जाए तो किसी एक कंपनी का ही मोनोपोली है बिजली बेचने में, या तो गवर्नमेंट का कंपनी है या प्राइवेट का है भी तो कोई एक ही कंपनी है। जैसे आप जाइएगा तो किसी भी स्टेट में जाइएगा तो उधर आपको बिजली बिल जो आता है उस पर उस कंपनी का नाम लिखा रहता है कि आपके इलाके में बिजली बिल किस तरीके से आता है, किस कंपनी का आता है, और आपके पास मजबूरी है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी का बिजली खरीद सकते हैं क्योंकि उधर कोई एक ही है ना। जैसे बिहार में देखा जाए तो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन SPBDCL ऐसे कुछ एक कंपनी है ना, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नॉर्थ बिहार का एक अलग है। तो यानी कि बिहार के लोगों को दो ही ऑप्शन है, ठीक है, नॉर्थ बिहार वाले को एक ऑप्शन है कि नॉर्थ बिहार वाले से खरीदे और साउथ बिहार वाले SPDC, हम यदि चाहें तो इससे बिजली नहीं खरीद सकते हैं, और नॉर्थ बिहार वाला चाहेगा तो इससे नहीं खरीद सकता है। उसी से UP में कई कंपनी काम कर रहे होंगे 3-4, तो हर कंपनी का अपना एक एरिया बढ़ चुका है अभी, तो इसके कारण से क्या हुआ, मोनोपोली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि देयर इज नीड टू प्रोवाइड चॉइस टू कंज्यूमर, अब कंज्यूमर मतलब कहा जाए कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, है ना। जिस तरीके से हमारे पास जैसे मान लीजिए बैग खरीदना है हमको या किताब खरीदना है तो किसी भी दुकान पर हम जाके किताब खरीदते हैं, उसी तरीके से बिजली हम खरीद रहे हैं तो हमारे पास कोई चॉइस का कमी है, ऑप्शन का कमी है, हमको मजबूरी है कि हमको SPBDCL से ही खरीदना पड़ रहा है, दूसरी कंपनी से क्यों नहीं खरीद सकते। तो ये चॉइस को बढ़ाने के लिए, कंपटीशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे अब इस तरीके की सुविधा लाया जाए कि आदमी जो है अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चुन सके, कंज्यूमर अल्टरनेटिव टू चूज फ्रॉम मोर देन वन का डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कंपनी को चेंज कर सके, चुन सके। अब वायबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सीरियस कंसर्न, अब कहा जा रहा है कि अब जब ऐसा होगा तो काफ़ी सीरियस कंसर्न होगा, क्यों, क्योंकि जैसे पहले से तार जो है किसी एक कंपनी का है, ठीक है, अब इस इलाके में तार जो है एक कंपनी लगा चुका है जिसका भी मोनोपोली है, अब दूसरा कंपनी जब आएगा तो क्या इसी वायर को यूज करेगा या फिर वो अपना वायर लाएगा, कोई कंज्यूमर जो होगा क्या वो उसके इलाके में सारे कंपनी का वायर होगा, ये सब कुछ यहाँ पे दिक्कत आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाए कि ये जो होगा सीरियस कंसर्न है, इसके लिए इतना जो पैसा 5 साल में 1,00,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, है ना, और मतलब 5 साल के बाद कहा जा रहा है कि इस तरीके का सिस्टम हो जाएगा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग किया जाएगा। जैसे अभी हमारे पास क्या है कि फ़ोन में जब रिचार्ज करते हैं तो फिर उसके बाद बात करते हैं, नेट चलाते हैं, जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तो नहीं चलाते हैं, उसी तरीके से प्रीपेड मीटर आएगा कि आप मीटर में रिचार्ज कीजिए उसके बाद बिजली यूज कीजिएगा, ठीक है। फीडर सेपरेशन, हर कंपनी अपना फीडर अलग अलग रखेगा, अपग्रेडेशन ऑफ सिस्टम, कुछ उसके लिए अल्टरनेट सिस्टम लाया जाएगा, है ना, और ताकि जो है जनता अपना कंपनी चेंज कर सके जब मन चाहे। हो सकता है कि मई में जो है इस कंपनी से बिजली खरीदें, बिजली से मतलब कि नहीं पसंद आया या फिर ज़्यादा ही कॉस्ट ले रहा है तो हम दूसरे कंपनी से खरीद लेंगे, है ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ा जाए कि प्राइम मिनिस्टर वाइल स्पीकिंग एट 3rd री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2020, तो सबसे पहले तो यही आप याद रखिए कि 3rd री इन्वेस्ट समिट जो हुआ था नवंबर 2020 में हुआ था, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया था कि हमारे देश में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लाया जाएगा, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लाया जाएगा, इट इज़ नाउ प्रपोज्ड, उस समय बोला गया था, अब बजट आया है तो यहाँ पर काम करने का समय है। इट इज नाउ प्रपोज टू लॉन्च हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021-22 फॉर जनरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर सोर्सेज, है ना, तो ग्रीन पावर सोर्सेज से मतलब कि रिन्यूएबल सोर्सेज से 2021-22 में जो है हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लाया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे का जो भी हिस्सा है हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, ऑलरेडी वीडियो 1 घंटा लंबा हो चुका है और ज़्यादा लंबा करना अच्छी बात है भी नहीं। तो इसी तरीके से है ना, तो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, यहाँ से हम लोग
दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद।